खबर करौली से है, जहां भगवान परशुराम की जयंती जिले भर में धूमधाम और बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई। परशुराम जयंती के अवसर पर जिले भर में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और जिला मुख्यालय स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में भगवान परशुराम का दुग्ध अभिषेक हुआ। हवन, पूजा पाठ और साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज के युवा, प्रबुद्धजन और साथ ही गणमान्य नागरिकों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष वेद प्रकाश उपाध्यक्ष ने बताया कि भगवान परशुराम के जन्म उत्सव के अवसर पर ब्राह्मण समाज की ओर से ब्राह्मण धर्मशाला में दुग्ध अभिषेक, पूजा पाठ, हवन का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के लोगों ने विधिवत मंत्र उच्चारण के साथ ही भगवान परशुराम का दुग्ध अभिषेक किया। करौली का ब्राह्मण समाज हमेशा से ही सामाजिक समरसता का संदेश देता रहा है। ब्राह्मण समाज करौली के तत्वाधान में यहाँ पर भगवान परशुराम जी का दुग्ध अभिषेक का कार्यक्रम समाज की ओर से रखा गया। साथ ही साथ यहाँ पर हवन का कार्यक्रम रखा गया। सभी समाज बंधु आज यहाँ बुजुर्ग नौजवान साथियों ने यहाँ आकर विधि विधान से भगवान परशुराम जी का यहाँ अभिषेक कर हवन इत्यादि के कार्यक्रम हुए और यह कार्यक्रम हर वर्ष ब्राह्मण समाज की ओर से यहाँ मनाया जाता है और विधिवत रूप से यहाँ कार्यक्रम। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।